कंचे खेलने का जिक्र किया ना जी, कंचे हम भी बहुत खेलते थे, और कंचे खेलने में हमको मार पड़ी थी पिताजी की बहुत। पिताजी ने कहा अगर खेलना ही है कुछ तो क्रिकेट खेलो, कंचे का कौन सा वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है। तो फिर हमने फिर क्रिकेट में दिलचस्पी ली, क्रिकेट खेली, और क्रिकेट हम अच्छी खेलने लगे थे जी। हम अपनी टीम में थे, कॉलेज की टीम में भी थे, अच्छा खेले, और इसीलिए कुछ क्रिकेट प्लेयर से हमारी दोस्ती भी है, जैसे कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, इन सब से हमारी अच्छी मुलाकात है। तो ये पिताजी ने हमें कहा था कि कंचे छोड़ो क्रिकेट खेलो। बिल्कुल दिए, लेकिन साथ में रियाज भी खूब कराते थे। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, कमरे में बंद कर देते थे कि आज 3 घंटे बाद दरवाजा खोलूंगा, केवल सा गाना और कुछ नहीं, एक सुर सा बस। दूसरे दिन बंद कर दिया, रे गाना आज। इस तरह एक एक सुर को उन्होंने हमारे कंठ में स्थापित कर दिया। हाँ होती थी कि भाई आज तुमने रियाज नहीं किया, ठीक नहीं। देखिए रियाज करना इतना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं 3-4 घंटे रियाज करता हूँ। अच्छा, और यही कारण है कि आज अब नाउ आई एम 66, इस उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 36 साल का ही हूँ, और मैं उस तरह 3-4 घंटे प्रोग्राम में गा जाता हूँ। सच तो ये है कि अगर आप 3 दिन ना नहाएं तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है, 3 दिन रियाज ना करिए तो आपके गाने से बदबू आने लगती है। क्या बात, ये इतना ज़रूरी है। तो इसको अगर तीखे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कहा जाएगा। बिल्कुल मार्क्स मिल जाते थे, हमको फ़ोन आ जाता था बेटा घर आ जाना आज शाम को और एक आध भजन सुनाना, तो हम पहुंच जाते थे शाम को टीचर के, उनको भजन भी सुनाया, फिर कॉपी हमारे सामने रख देते थे, जितने मर्जी ले लो नंबर। तो हम उनसे कहते थे हमको सिर्फ 40% चाहिए। अच्छा, हमको सिर्फ पास होना है, हमको डिस्टिंक्शन नहीं लानी, वो दूसरों को दीजिए। और हम आपको बताएं कि हमने कभी 3 घंटे क्या एग्ज़ाम 3 घंटे बैठ के किया ही नहीं, 1 घंटे में उठ जाते थे, जब देखा 40% लिख लिया तो निकल जाते थे, सब पकड़ने रखते थे, कहाँ जा रहे हो, गया यार, जितना पास होने के लिए करना था। हमको कौन डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन पिताजी ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर मुंबई जाना है कुछ काम करने तो बीए करना ज़रूरी है। तो हमने कहा बीए भी करना तो भैया पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा, तो पढ़े भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, साथ साथ भाटखंडे म्यूज़िक कॉलेज से संगीत भी सीखते रहे, पिताजी से भी सीखते रहे। और सच में आपको बताऊं कि मैंने जो संगीत ग्रहण किया है वो सुन सुन के किया है, पिताजी के साथ में बहुत ज़्यादा बैठा नहीं हूँ, उनको सुन सुन के। मेरी माँ भी गाती थी, उनको भी सुन सुन के। हमारी माँ थोड़ा थोड़ा गाती थी, कथक भी करती थी, कथक नृत्य करती थी, उन्होंने फिर शादी के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन गाना उन्होंने रखा था थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो बहुत रियाज करता था, वो रियाज नहीं करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं रेडियो ऑडिशन दूँ, मैं शायद 17 साल का हो गया था, तो उन्होंने कहा मेरा भी फॉर्म भर दो। अरे मैंने कहा रहने दीजिए, आप रियाज व्याज करती नहीं, नहीं 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 मेरा फॉर्म भर दो अपने साथ। तो हम दोनों ने एक ही दिन ऑडिशन दिया, वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। अरे आकाशवाणी से क्या बात है। बदलाव बहुत आया है, देखिए जैसे उसके बाद हमने कंपोज किए ऐसी लागी लगन, जग में सुंदर हैं दो नाम, वो काला एक बांसुरी वाला, ये सब, लेकिन उन दिनों जो उनको सुनाते थे उसमें चदरिया झीनी रे झीनी था, कुछ जरा गुनगुना के बताइए तो कुछ। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया और गाते थे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, इस तरह। अमेरिका में न्यू जर्सी में मैं एक अपने दोस्त के यहाँ बैठा खाना खा रहा था, उनकी वाइफ थोड़ा गाना भी गाती थी, तो जब मैं खा रहा था खाना तो मेरी आदत है मैं हाथ से खाता हूँ, दाल रोटी सब्जी सब चावल आल सब, तो मैं खा रहा था तो उनकी वाइफ ने कहा कि अनूप जी ये किताब में बड़े अच्छे से भजन लिखे हुए। मैंने कहा था दीजिए, मैंने ऐसे ले लिया, खाता रहा पढ़ता रहा, एक पेज पे मैं रुक गया, उसमें लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इंदिरा देवी का लिखा हुआ जी, पूना में रहती थी, हरे कृष्ण की फॉलोअर।
तो बस वो मैं अटक गया, खाना मैंने जल्दी से ख़त्म किया और वो 20-25 बार पढ़ लिया मैंने। फिर उनको किताब दे दी, जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे कहा जरा हारमोनियम दीजिए, और मैंने गाना सुना दिया, तो बन चुका था। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उसके अंदर उसकी धुन छुपी होती, वो उसको निकालना। क्योंकि कवि जब कोई अपनी कविता लिखता है तो गुनगुना के लिखता है, उसकी जो धुन है उसको पकड़ना है, उसके वाइब्रेशन तक अगर हम पहुंच गए तो गाना अमर हो जाएगा। जैसे मैया मरी मैं नहीं माखन खायो, वो सूरदास जी ने यही धुन में सोच के लिखा होगा। ठुमकी चंद्र रामचंद तुलसीदास जी ने यही सोच के लिखा होगा। ऐसी लागी लगन इंदिरा देवी ने जब लिखा होगा तो ये सोच के लिखा होगा कि यही धुन होनी चाहिए, ऐसे गुनगुना के। तो उसको अगर पकड़ लिया, पायो जी मैंने, वो लिखते समय मीराबाई ने सोचा होगा ऐसे धुन होनी चाहिए, बस वहाँ तक पहुँचना है। तो वो कैसे पहुँच पाएंगे? पवित्रता से, अध्यात्म से, अपनी लगन से, अपनी एकाग्रता से। तो अगर आप पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हैं तो मीराबाई खुद आके बता देंगी ये धुन है। क्या बात है! तुलसीदास जी आ जाएंगे कि बेटा इस धुन में गा दो, ये मेरी ये धुन थी। हम उस धुन को पकड़ लेते हैं। हम गा ही नहीं पाए क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ बैठे हुए थे। ऐसा लगा? हाँ, मुझे लगा मेरे साथ बैठे तो मैं गाऊँ कैसे, पिताजी गा रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसे बैठ के सुन रहे हैं। और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा क्या हुआ, आवाज़ ही नहीं निकली। मैं कहा निकलती कैसे, यहाँ तो बैठे हुए थे। ये कब की बात होगी? ये तब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, तो 1960। आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है कि मैं मंच पे ही होता हूँ कि गा रहा हूँ और मुझे लगता है मैं ब्लैंक हो गया गाते गाते, कोई है जो मुझे गंवा रहा है। प्रोग्राम से पहले मेरे म्यूजिशियन मुझे कहते हैं आज अनु जी आज आपकी गला ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? तो मैं कहता हूँ बैठने तो दो, हमने कब गाया है? क्या बात, कोई गंवाता है? इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा कि मैं गाना शुरू करने से पहले ऊपर देखता हूँ, आ रहे हो क्या, अभी पहुंचे नहीं, और तब मैं गाना शुरू करता हूँ। क्योंकि मुझे उसकी शक्ति से ही मिलता है। नहीं तो आप सोचिए जरा, 3 घंटा हर तरह की पब्लिक सामने बैठी भजन कैसे सुन सकती है? सही बात। और वाह वाह कर रही है, डांस कर रही है, मजे ले रही है, कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब वहां ईश्वर की मौजूदगी है। कब भी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रभु जो हैं वो मेरे माध्यम से अपना संगीत लोगों के सामने प्रस्तुत करा रहे हैं, तो हो गई ऐसी लागी लगन। ये मैं करीब 4,000 बार गा चुका हूँ, मुझे पता है। और इसका किस्सा भी मैं भी आपको मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन। क्या बात! कभी कभी होता है कि कितने लोग लेट आए वो सब देख के उस हिसाब से उनको सुना देते, क्योंकि हम वहाँ मंच पे आए हैं संतुष्ट करने उन्हें। हम इसलिए थोड़ी आए कि नहीं भाई अपने गाएंगे, एक बार गालियाँ गालियाँ, अरे कोई वहाँ पहलवानी दिखाने थोड़े आए हो, अरे लोग सुनने आए हैं, 10 बार सुना देंगे वो गाना अगर उनको आनंद आएगा, क्योंकि हमको भी तो आ रहा है आनंद। बिल्कुल, ये थोड़ी कि हमको उसमें कोई तकलीफ हो रही है। हम 20 बार गाएंगे, हमको 20 बार आनंद मिलेगा, और अगर उनको मिलता है तो शायद हमारा उद्देश्य ये वहाँ गाने का। उन्होंने मुझे वरदान दिया। अच्छा, वहीं बैठे बैठे, वो पवन पुत्र हैं जी। हाँ, वायु उनके कंट्रोल में है, पवन पुत्र हैं। बिल्कुल, तो जिसको चाहे जितनी लंबी सांस दे दें, और हम पवन का ही तो काम करते हैं। हम जो गाते हैं वो सांस क्या है, छोटी सांस भी हो सकती है अगर हम रियाज ना करें, और लंबी सांस भी हो सकती है, लेकिन मिलेगी किससे? एक लंबी सांस में कुछ पानी सारे नी सारे रे 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 सा नी पा पा रे नी रे सा।
कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन ये तय नहीं था कि गाना क्या है। अच्छा, ये तय था कि गाना है, कि संगीतकार बनना। हो सकता है मैं सितार वादक बन जाता, मैं सितार भी बजाता हूँ। हो सकता है मैं तबला प्लेयर बन जाता, मैं तबला भी बजाता हूँ। हो सकता है मैं हारमोनियम प्लेयर बन जाता, वो भी बजाता हूँ। लेकिन नहीं, धीरे 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 अंदर से इच्छा ये होती गई कि गाना ही गाना है, और गाने में लग गए। उसमें अभ्यास शुरू कर दिया, राज शुरू कर दिया। और मैं इतना अच्छा हारमोनियम बजाता था बचपन में कि लखनऊ में वहाँ के सिंगर्स मुझे अपने प्रोग्राम में ले जाते थे अपने साथ, या मेरे साथ बाजा बजा दो। अच्छा, और मैं उनके साथ हारमोनियम बजा के आ जाता था, 5 रुपये ले लेता था। गाने के तो 20 रुपये मिलते थे, और 5 रुपये मिल जाते थे, एक गाना उनके साथ बजा दिया, आ गए। फुल फ्रेंचर हमें याद आता है कि उस वक्त मैं 8 साल का था, और वो मैं जो पहला प्रोग्राम पिताजी के साथ 2 भजन गा के कर चुका था, तो मेरे पिताजी ने कहा, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें, तुमको मैंने यूं ही कहा गा दो, तुम पूरा गा गए, और बड़े बड़े म्यूजिशियन तुम्हारे साथ बजा रहे हैं, मुन्ने खान साहब तबले पे बजा रहे हैं, जो बेगम अख्तर के साथ बजाते थे हमारे पिता, वो बजा रहे हैं, वो भी बड़े खुश हुए। और उसके 1 साल बाद मैंने अकेले प्रोग्राम किया, लेकिन लंबा नहीं किया, 40 मिनट का किया। मैं बताऊं उनके बारे में कि वो जिस तरह भजन गाते थे, तो वो भजन को साक्षात सामने खड़ा कर देते थे कि तुम दर्शन कर लो भजन के, कि अगर वो गा रहे हैं ठुमक चलत रामचंद्र, तो देख लो ऐसे चलते हैं भगवान राम ठुमक ठुमक के। एक एक चीज़ आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप आँख बंद कर ले तो आपको लगेगा कि भगवान राम आपके सामने छोटे से हैं, चल रहे हैं। ये कला पिताजी ने थोड़ी सी मुझे दी। बीस परसेंट। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या, मैं पिताजी से बहुत सीरियसली संगीत सीख रहा था, शास्त्रीय रागें सीख रहा था, उनके साथ बैठता था, उनका स्टाइल सीख रहा था। अचानक मेरा एक एल्बम सुपरहिट हो गया और मेरा बहुत नाम हो गया, फिर मेरा वो सीखना बंद हो गया। मेरे अंदर अगर कोई रिग्रेट है तो ये है कि भगवान ने मेरा नाम जरा जल्दी कर दिया, 5 साल और रुक जाता वो। 5 साल रुकने के बाद मेरा नाम करता तो मैं और अच्छा गाता, क्योंकि मैं पिताजी से बहुत विधिवत सीख रहा था उन दिनों। वो बंद हो गया, वो भी यूं ही आ गई थी, हमने रिकॉर्ड तो की नहीं थी। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ घटित हुआ। अच्छा, जैसे जन्म से ही बता दूं आप, हमारे माता पिता गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने जाते थे, 2 गए 3 आ गए। मेरा जन्म एक घटना, उन दोनों डेट थोड़ी फिक्स होती थी कब होने वाले, 66 ईयर्स पहले आ गए, तो मेरा जन्म तो नैनीताल का लिखा गया, लेकिन मैं लखनऊ का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एल्बम है, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था हरे कृष्णा मंदिर जुहू में 1979 में, और मैंने सब भजन गाए, तो हमारे साथ गुरदीप सिंह गिटार बजा रहे थे, रूप कुमार राठौड़ तबला बजा रहे थे, मैं हारमोनियम बजा रहा था। हमने प्रोग्राम किया, हम वापस आ गए, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। 3 महीने बाद एक फोन आता है वहां से, उनके रिकॉर्डिस्ट थे दमन सूद, कहने लगे वो तुम गा रहे थे ना यार, वो मैंने रिकॉर्ड किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है, जरा आके सुनो। तो मैंने आके सुना, मैंने कहा क्या अच्छा लग रहा है यार, म्यूजिशियन कम है, मंजीरे की आवाज़ नहीं है, मंजीरा चाहिए, फिर चूँ चूँ चाचा माइक का आ रहा है बीच में, वो कोई ऐसा प्रोफेशनल माइक भी नहीं थे उन दिनों। तो कहते नहीं 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 यार ये अच्छा है, मैंने कहा कम से कम मंजीरा तो डेवलप करो। तो हमने इंद्रू आत्मा जी को बुलाया, CH आत्मा के छोटे भाई, उन्होंने मंजीरा डब किया। उसके बाद पॉलीडोर ने इसको सुना, उन्होंने कहा जी हम इसका डबल एल्बम बनाएंगे। अरे मैंने कहा सिंगल बिकता नहीं, डबल एल्बम बनाने चले हो, इन्हें बनाएंगे यार। बस वो बना, बात खत्म, हिस्ट्री। उसके बाद से आज तक मेरी फुर्सत ही नहीं, सीखने की भी फुर्सत बंद हो गई। वो मुझे रिग्रेट है कि वो एल्बम प्रभु अगर 5 साल बाद आप रिलीज करा देते तो मैं और अच्छा थोड़ा गाता। अब मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं आपसे कहूं कि अपने पिताजी को स्मरण करके जरा सुनाइए ठुमक चलत की। हाँ, कैसे वो ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक 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 चलत, हाँ चलत ठुमक,
चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम।